अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा, उस पर क्या सीटें देगा, और हम अपनी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन पूरी तरीके से 80 सीट की तैयारी कर रहा है, हम दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर बातचीत के बदले घटक दलों के बीच बयानबाजियों का दौर चल रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में गठबंधन का सबसे बड़ा दल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, जो कह रही है कि वो सीट मांग नहीं रही बल्कि दे रही है। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जिसके नेता मानने को तैयार नहीं है कि यूपी में उनकी पार्टी अखिलेश यादव के रहम पर है। तभी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा कर दिया कि कांग्रेस 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। दावा और प्रतिदावा के बीच अब कहा जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परीक्षा लेंगे। तीन राज्यों के चुनाव में कांग्रेस जितना बड़ा दिल सपा को दिखाएगी, यूपी में अखिलेश यादव का बड़ा दिल उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा, उस पर क्या सीटें देगा, और हम अपनी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन पूरी तरीके से 80 सीट की तैयारी कर रहा है, हम दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि सपा ने गठबंधन करने में हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और इस बार भी वो बड़े दिल से समझौता करेगी, लेकिन सपा को प्रांतीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी की तरफ ले जाने के लिए परेशान अखिलेश यादव मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुछ सीटों पर लड़ने का मूड बना चुके हैं। एमपी में अखिलेश यादव ने आधा दर्जन कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव और एमपी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने माना है कि अखिलेश यादव की कमलनाथ से बातचीत चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ही लेंगे। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस अकेले 230 सीट लड़ने में सक्षम है। जानकारी के लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी 1998 से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ रही है और 2003 के चुनाव में उसके 7 विधायक जीते थे। 1998 के चुनाव में भी 4 सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी। सपा ने आगे 2008 और 2018 में एक एक सीट जीती थी। एमपी का बुंदेलखंड का इलाका ही है जहां सपा के साथ साथ बसपा का भी जोर है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए अखिलेश यादव 2 दिन के दौरे पर 27 और 28 सितंबर को एमपी में रहेंगे। अखिलेश यादव रीवा के सिरमौर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, जबकि खजुराहो में कार्यकर्ता सम्मेलन भी रखा गया है।